गुड आफ्टरनून, मैं ब्रजेश कुमार, HBS एजुकेशन के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज एक नई सूचनाएं आर्टिकल में शो हो रही हैं और उसमें आपको पता ही है कि कुछ ही दिन पहले दरोगा का, जो UP दरोगा SI का रिजल्ट आउट हुआ था और उस रिजल्ट में कुछ खामियां बताई जा रही हैं कि इसमें कुछ छात्र जो लोग थे जो घपला किया था उसके बारे में कुछ चर्चा निकल के आ रही है। जो इसमें एक दरोगा भर्ती में अलीगढ़ के तैनात धांधली का आरोपी सिपाही सस्पेंड किया गया है। चलिए दोस्तों, तो दरोगा भर्ती की जो लिखित परीक्षा में धांधली के आरोपी सिपाही जो चंद्रकिरण को अलीगढ़ के एक SSP कलानिधि नेथानी ने सस्पेंड कर दिया है, जो चंद्रकिरण अलीगढ़ पुलिस लाइन में ही तैनात है। उधर एक खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पुलिस विवेचना में साइबर सेल की मदद लेगी और भर्ती बोर्ड से भी सारा डाटा जुटाया जाएगा। दरोगा भर्ती के लिए जो नवंबर 2021 में पूरे प्रदेश में जो ऑनलाइन लिखित परीक्षाएं जो आयोजित की गई थी, जो परीक्षा का परिणाम जारी करने के उपरांत जो अंक पाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा की समीक्षा की गई, तो पता चला है कि आगरा के अरबी जो RB ऑनलाइन सेंटर के पर परीक्षा देने वाले मुजफ्फरनगर के गांव खटोला निवासी जो फुरकान अली और मेरठ के राधेश्याम विद्यापीठ की परीक्षा देने वाले सहारनपुर के तिलहर निवासी सिपाही चंद्रकिरण इबरेरा चंदौरी के प्रवीण और खानपुर गुज्जर के मोहम्मद हाशिन 80% से ज़्यादा सवालों को सही जवाब दिए थे। जांच से पता चला है कि शुरुआती आधे घंटे तक गिने चुने सवाल हल करने के बाद 2.5-3 सेकेंड में सवाल हल किए। धांधली की पुष्टि होने के बाद कोतवाली की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाथरस के और आगरा और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को पकड़ा गया है। चलिए दोस्तों, तो अभी हाल में हमारे दरोगा भर्ती की जो चल रही है, इसकी नापतौल या जो फिजिक्स वगैरह चल रहा है, तो इससे संबंधित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है 80 पदों पर निकले 2011 में विज्ञापन मिले करीब 30 पद, 50 पद के अंत में उलझा TGT जीव विज्ञान परिणाम। इसमें स्नातक जो TGT वर्ष 2011 की भर्ती है, क्योंकि UPSSC जो है, UPSSB जो काफ़ी दिनों से इस भर्ती को लटकी हुई है और आज भी ये ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ 2011 की भर्ती विज्ञान परिणाम को लेकर के एक नया पेज फंस गया है जो 11 साल पहले निकली थी। इस विज्ञापन में 83 पद थे, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने परिणाम घोषित भी कर दिया, सत्यापन कराया गया और इसमें 30 पद ही रिक्त मिले। ऐसे 50 पदों की कमी के चयन बोर्डों के सामने संकट यह है कि आधार पर घोषित किए जाएँ, किस आधार पर घोषित किया जाए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2011 के इस भर्ती विज्ञापन परीक्षा 2013 में कराई गई थी। इस परीक्षा भर्ती पर विज्ञापन के अन्य विषयों की भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन जीव विज्ञान विषय में गुत्थी सुलझी नहीं है। इससे पहले इसका परिणाम जो OMS सीट पर जो बंडल भीग जाने के लटक गया था और बाद में यह चयन बोर्ड के निर्देश से 2 वरिष्ठ सदस्यों की कमेटी में जांच की गई। चलिए दोस्तों, और इसमें जो वेलॉग का था 2022 में खत्म करने के साथ ही परिणाम ये घोषित करने के लिए 11 साल पुराने जीव विज्ञान पदों का वर्तमान स्थितिजन्य ने सत्यापन कराया। रिपोर्ट में लगभग 30 पद रिक्त मिले हैं। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से ये पद, ये क्या है, भर्ती फंसी हुई है। EW से अभ्यर्थी मांगी उम्र में छूट, लेकिन EW से जो छात्र हैं उन्होंने क्या है, आय सीमा में छूट मांगी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है कानपुर IIT के प्रोफेसर जो मणिंद्र अग्रवाल का दावा है कि अब नहीं आएगी कोई लहर, साधारण फ्लू की तरह रह जाएगा कोरोना, जिस तरह से और भी सारे इम्पैक्ट हैं बर्ड फ्लू वगैरह। तो इस तरह से IIT के प्रोफेसर पद्मश्री मणिंद्र अग्रवाल ने सोमवार को दावा किया है कि देश में अब कोरोना कोई लहर नहीं आएगी, कोरोना साधारण फ्लू की तरह ही रह जाएगा। देशवासियों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है, इसलिए अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अभी तक कोरोना की 3 लहरें ही आई हैं, चौथी लहर अभी तक नहीं आई है और न आने की कोई उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले प्रोफेसर अग्रवाल ने एक प्रगति मंडल मॉडल सूत्र की मदद
से कोरोना के पुराने केसों की संख्या के आधार पर डाटा तैयार किया था। इसमें से उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के उतार चढ़ाव का सटीक आकलन प्रस्तुत किया था। तीसरी लहर में भी उन्होंने एक मॉडल भी तैयार किया जो सटीक भविष्यवाणी की थी। प्रोफेसर मणिन्द्र का मानना है कि अधिकतर देशवासियों की कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, दूसरी और फर्स्ट डोज लग चुकी हैं, प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी है। तो ये है जो कारोवैक्स टीके की कीमत घटकर 250 रुपये की गई है। तो यहाँ 12 से 14 साल के जो बच्चे दी जा रही है, जो कोरोना टीके कोवैक्स की कीमत 840 रुपये घटाकर 250 रुपये कर दी गई है। GST भी शामिल है। अब इसमें क्या जो शुल्क शायद अब 400 रुपये करना होगा भुगतान। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आज की ये सूचनाएँ थी। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।